नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को मंगलवार को इंजन में खराबी के कारण रूस के मगदान की ओर डाइवर्ट किया गया है। एयर इंडिया के अधिकारी ने कहा कि फ्लाइट की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग कराई है। फ्लाइट में सवार सभी 216 यात्री चालक दल के 16 सदस्य सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-173 के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है। 216 यात्री और 216 चालक दल के साथ उड़ान को डाइवर्ट किया गया है, रूस के मगदान हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतार लिया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सभी सहायता प्रदान की जा रही है, जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक विकल्प प्रदान किए जाएंगे। विमान की ग्राउंड पर अनिवार्य जाँच चल रही है। हाल ही में फ्लाइट्स में खराबी के मामले में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2 दिन पहले भी डिब्रूगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की तकनीकी समस्या के कारण गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। इस फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली समेत कई विधायक भी सवार थे और अब फिर से ये मामला सामने आ गया है। सभी यात्री दोस्तों सुरक्षित हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अलर्ट रहें।